ओम नमः शिवाय। सावन का महीना चल रहा है और हम सब ने जो किया है कि रुद्राभिषेक कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि रुद्राभिषेक की उपाय तो पहले बताया था और आज भी कुछ एडिशनल बताने जा रहा हूँ। ये आपको बहुत लाभ मिलेगा इससे। तो सोमवार को क्या कीजिए, आप गुलाब की पंखुड़ी लीजिए, वो पहले शिव जी को चढ़ाइए, फिर मुट्ठी भर के आतप चाल लीजिए। और देखिए, ख्याल रखिए कि ये आतप चाल चावल के जो दाने हैं ये बिल्कुल टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, साबुत होनी चाहिए। ये एक मुट्ठी भर के लीजिए, शिव जी को अर्पण कीजिए। उसके बाद आप एक लोटा भर दूध भी दे सकते हैं, कच्चा दूध। सबसे अच्छा है पंचामृत, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। आप कच्चे दूध, शक्कर, मधु मतलब शहद और दही, मीठा दही जो होता है, और घी, ये पांचों चीज़ें मिला के जो होता है इसको आप अर्पण कीजिए शिव जी को। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे धन धान्य और संपद संपत्ति ये सब की वृद्धि होती है, ठीक है। और कोई लोग बताएंगे, मेरे पास और भी पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि जो गोल्ड्स है, गहने हैं, वो कोई ना कोई काम के लिए गिरवी रखना पड़ता है या बेचना पड़ता है। तो ये क्या है, आप कभी भी, आपको भाग्य, ये फेट, भाग्य को कभी दोष मत दीजिए। इससे क्या होता है, गुरु खराब होता है। गुरु मतलब बृहस्पति, जुपिटर, ये खराब होंगे तो आपको जो पीला चीज़ है, मेटल है, गोल्ड है, ये सब बिकवा देगा आपका, ठीक है, ये कीजिए। और एक एडिशनल चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप भू देवी का पूजा कीजिए। भू देवी कौन है, भू देवी देखिएगा कि तस्वीर में ऊपर, सबसे ऊपर लक्ष्मी देवी होता है जो कि धन लाते हैं, और उसके नीचे दोनों तरफ, एक तरफ कुबेर जी है जो ये धन को रखवाले करते हैं, उसका वृद्धि करते हैं, और उसके बाजू में रहते हैं भू देवी जो इस धन को मतलब रक्षण करते हैं, इसको कोई लीकेज वगैरह, कोई आपको बेचने की नौबत ना आए, इसको देखते। आप इनके जप कीजिए, पूजा कीजिए, तो आपको धन संपत्ति जो मिलेगा वो तो रहेगा, बढ़ेगा और बरकत मिलेगा आपको सब तरफ से। ओम नमः शिवाय।